पुलिस के हत्थे चढ़ाया शख्स नाइजीरिया का है। इस शख्स पर हिमाचल में नशे का कारोबार फैलाने का आरोप है। हिमाचल में नशाखोरी का इंटरनेशनल कनेक्शन इसी शख्स की गिरफ्तारी से उजागर हुआ है। शिमला पुलिस ने इस शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस विदेशी युवक की पुलिस काफी अरसे से तलाश कर रही थी। शिमला में नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, जिसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की हमने। ये स्मगलिंग कर रहा था, उसके लिए हमने एक टीम बनाई और दिल्ली भेजी, और टेक्निकल विंग के हेल्प से हमने इसकी लोकेशन देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। अपनी टीम जो दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस की भी थोड़ी हेल्प ली, उनको गाइड करते रहे, और फिर फाइनली हमने इसको दिल्ली के द्वारका से इसको उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने बड़े स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस उन स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है, जहां से नशे का कारोबार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में भी पुलिस पंजाब प्रशासन के साथ मिलकर लगातार रेड डाल रही है और चिट्टे के धंधे में लिप्त स्मगलरों को सलाखों के पीछे ठूस रही है। शिमला से पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।